देहरादून शहर के 100 वार्डों में से 47 वार्ड में घर घर कूड़ा उठान और शुल्क की वसूली के लिए नगर निगम महिला समूह को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। महिला स्वयं सहायता समूह को नगर निगम के 38 वार्डों से कूड़ा एकत्रीकरण का शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम के शेष 9 वार्डों के लिए निगम की ओर से अब दोबारा इन वार्डों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत शहर के ब्लैक स्पॉट पर विशेष कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वच्छता में जन भागीदारी बढ़ाए जाने पर कार्य किया जा रहा है। प्रशासक महोदय के निर्देशानुसार और साथ में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत हम मुख्यतः तीन विषयों पर काम कर रहे हैं। एक पॉइंट है हमारा ब्लैक स्पॉट या गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट GVP जिनको कहते हैं, उनके रिमूवल पर लगातार काम किया जा रहा है। इस अभियान में हमने 28 ब्लैक स्पॉट को ऐसा चिन्हित किया है जिनको हमने हटाने का टारगेट रखा है। दूसरा हमारे स्वच्छता में जन भागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमने महिला समूहों को इन्वॉल्व किया है। उनको यूजर चार्ज के साथ साथ स्वच्छता की निगरानी और अपने क्षेत्र में वाहनों की मॉनिटरिंग का कार्य भी दिया जा रहा है। साथ ही DM साहब के द्वारा जो हमारी कूड़ा कलेक्शन वाली कंपनी है जो CNT करते हैं, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, उन कंपनीज की परफॉर्मेंस को भी हर 15 दिन में असेस किया जा रहा है।